हुडी सीजन आ चुका है और हम आ गए हैं भीमताल, क्योंकि दिल्ली में बहुत गर्मी थी तो वहाँ पे शूट करना इम्पॉसिबल था। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हुसैन कालरा एंड आज का वीडियो होने वाला है हुडी की स्टाइलिंग टिप्स। और इस वीडियो में हमारे चैनल का सबसे स्पेशल गिव अवे भी होने वाला है, तो एंड तक देखना ध्यान से। तो यार, सबसे पहली चीज जो आपकी हुडी में मैटर करती है वो है आपकी हुडी का फैब्रिक, जो इसका मटेरियल है वो कितना पतला है, कितना मोटा है, और उसपे किस टाइप के डाइज और वॉशेज यूज करी गई है, उससे डिसाइड होता है कि वो आपकी बॉडी में फ्लो कैसा करेगा, कि बॉडी के ऊपर से गिरेगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल, जो ये हमारा अर्बन नीड्स की हमने हुडी लॉन्च करी है अभी, उसका मटेरियल एकदम थिक कॉटन वाला मटेरियल है, जो कि बहुत अच्छे से बॉडी के ऊपर फ्लो करता है। देखो कितने अच्छे से गिर रहा है, बीच में ऐसे नहीं हो रहा, सीधा सीधा आ रहा है। और हुडी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अबे इतनी दूर कहाँ चले गए, अंदर का ये तो दिखाने दो। इसको कहते हैं फ्लीस मटेरियल, मतलब टेरी मटेरियल बना के उसको ऐसे ऐसे ब्लेड से उसको काट के उसको ऐसे फ्लफी सा कर दिया। टेरी का मतलब होता है जैसे आपका टॉवल होता है ना, टॉवल के ऊपर ऐसे लूप्स बने होते हैं थ्रेड के, उसको काट काट के ऐसा बना देते हैं। अब इससे क्या होता है, बहुत फ्लफीनेस सी आ जाती है, ऐसे थोड़ी फूली फूली पिल्लो टाइप की लगती है आपकी हुडी, तो आपकी बॉडी में बहुत अच्छी गिरती है इस तरीके से। नेक्स्ट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैटर करती है हुडी के फैब्रिक के अंदर, वो बताएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्टिचिंग, आपके थ्रेड्स कैसे हैं आपकी हुडी पे, क्योंकि स्टिचिंग से डिसाइड होता है कि आपकी हुडी कितनी प्रीमियम दिखेगी, और स्टिचिंग से ये भी डिसाइड होता है कि कितना लंबी चलेगी हुडी, आप ज्यादा साल तक पहन पाओगे, क्योंकि हमने स्टिचिंग इतनी जबरदस्त तरीके की रखी हुई है, बहुत ध्यान दिया है थ्रेड पे कि थ्रेड अच्छे कलर का हो जो मैच कर जाए फैब्रिक के कलर से, और इतना स्ट्रांग हो कि आपको लंबी चले हुडी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा साइजिंग एंड फिटिंग। देखो, मैंने आपको H&M हुडीज वाली वीडियो में पहले ही बताया था कि एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है रिलैक्स फिट में, ओवरसाइज फिट में, स्लिम फिट में हुडीज के लिए। लेकिन अब ओवरसाइज फिट और रिलैक्स फिट के बेस्ट एलिमेंट्स मिला के ये वाली हुडी है, जो कि बीच का टाइप का एक फिट है, जो कि है अर्बन नीड्स वाली हुडी। और इसमें हमने वो सारे बढ़िया बढ़िया फैक्टर्स डाले हैं जो हमें एक हुडी से चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर ड्रॉ स्ट्रिंग नहीं डाली। मैं पुराने वीडियोस में आपको बोलता था कि भाई ड्रॉ स्ट्रिंग हटा दिया करो, निकाल दिया करो, उससे अच्छा लगता है, हमने डाली नहीं। और ऊपर से आप नोटिस करोगे तो हमने इसकी नेक एकदम परफेक्ट तरीके से रखी है, ना ज्यादा लूज है कि एकदम छाती दिखनी शुरू हो जाए, और ना ज्यादा आपका गला घोटेगी। और अगर आप नोटिस करो, इसकी बेस्ट बात जो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, जो बहुत मेहनत के बाद हमें मिली है, वो है इसका परफेक्ट शोल्डर ड्रॉप। इसका शोल्डर एकदम परफेक्ट तरीके से गिरता है। और आपको ऑनेस्टली बताऊं तो हमने काफी ज्यादा इसके डिजाइन एलिमेंट्स और शेप कॉपी करी है बहुत बड़े स्ट्रीटवेयर ब्रांड से, जैसे कि यीजी और गैप की जो एक कोलैबोरेशन हुई थी, जो कि बहुत ज्यादा महंगी हुडीज आती है, उनसे हमने थोड़ी थोड़ी इंस्पिरेशन लेके आपके लिए सस्ते में बना दी पूरी की पूरी। एंड इनफैक्ट मैंने इस टाइम पे ये शॉर्ट्स के साथ पहनी हुई है, आपको शॉर्ट्स के साथ भी ये हुडी काफी कूल लग रही होगी। लेकिन अभी वीडियो में आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अलग अलग टाइप की पैंट्स के साथ कैसे पेयर कर सकते हो इसको। अब नेक्स्ट आते हैं कि ऐसी कौन सी टाइप की हुडीज है जो आपके पास होनी ही चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज जो मैं एड्रेस करना चाहूंगा कि एक तो होती है ये जिप वाली हुडीज। जिप वाली हुडीज आपके पास तब होनी चाहिए जब आपके पास ऑलरेडी नॉर्मल वाली हुडीज है, क्योंकि जिप वाली हुडीज मुझे उतनी वर्थ इट नहीं लगती। अगर आपके पास अनलिमिटेड बजट है तो आप ले सकते हो, मैं प्रेफर करता हूँ बिना जिप वाली हुडीज, क्योंकि ये ज्यादा प्रीमियम लगती है और बाद में लेयरिंग के लिए भी काम आती है। और बात रही कि इसमें आपको कलर्स कौन से लेने चाहिए, तो देखो यार, ये जो रेड और ये झटाक कलर्स होते हैं ना, ये बच्चों की बुक्स में अच्छे लगते हैं, हुडीज में नहीं। हुडीज में आपको लेने चाहिए थोड़े से प्रीमियम कलर्स, और अगर आप थोड़े से ब्राइट कलर्स भी ले रहे हो तो उनकी फील बहुत अच्छी होनी चाहिए, और वो बहुत रेयर केसेस में अच्छे लगते हैं, जैसे हमारी अर्बन नीड्स में। बाकी ऐसे बेसिक कलर्स जैसे कि व्हाइट, ब्लैक वगैरह, तो अर्बन नीड्स में हमने निकाले हुए हैं, आप जाके ले सकते। और रही बात ग्राफिक्स की, तो हुडीज में ग्राफिक्स आपको तब लेने चाहिए जब आपके पास बहुत एक्सट्रीम बजट है, और ग्राफिक्स वाली आपको सस्ती हुडीज लेनी चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा लंबा नहीं चलेंगी। आप अगर वो स्पेशली अगर ग्राफिक रिलेटेबल नहीं है तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे, और अगर आप 2000 रुपए ऐसी चीज पे खर्च कर रहे हो तो वो पैसा वेस्ट है थोड़ा सा। बाकी हमने देखो प्लेन हुडीज निकाली है एकदम प्रीमियम वाइब वाली, तो ये तो आप बहुत लंबा चला पाओगे और बोर भी नहीं होगे। अब यार नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि एग्जैक्टली स्टाइल कैसे करना है रिलैक्स फिट या ओवरसाइज फिट को। मैंने स्लिम फिट वगैरह को तो आपको बहुत बार बताया हुआ है कि शायद आप लेयरिंग कर सकते हो अच्छी, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो फिट है, इसको स्टाइल कैसे करोगे? इसको स्टाइल करना आप बेसिकली मोस्टली सिर्फ स्ट्रीट स्टाइल टाइप में ही कर पाओगे। तो उसमें सबसे पहली चीज आती है कि आप कौन सी एक्सेसरीज पहन रहे हो। देखो, हुडी जब आपने पहनी हुई है ना, आपकी चेन दिखने वाली है, मतलब जो भी नेक पे पहनोगे ना, आपकी घड़ी ब्रेसलेट वगैरह ज्यादा अच्छे से दिखने वाली है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस फिर चली जाती है आपकी रिंग्स के ऊपर, इसीलिए मैं जनरली इतनी ऐसी टाइप की रिंग्स नहीं पहनता जो बहुत ज्यादा सारी कुछ कुछ स्पेशल रिंग्स हो, लेकिन हुडीज के साथ मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि कुछ कूल कूल सी रिंग्स ही पहनूं, क्योंकि ये इकलौती एक्सेसरी बन जाती है जो आप पहन सकते हो। उसके अलावा ऑफ कोर्स ऊपर अगर आप देखोगे तो आप सनग्लासेस पहन सकते हो एक्सेसरीज के लिए, साथ में आप इयररिंग्स पहन सकते हो
एक्सेसरीज के लिए, और यहीं पे लिमिट हो जाती है आपका पूरा एक्सेसरीज हुडीज के साथ। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर आपको लेयरिंग करनी है ऊपर क्या पहनना है, तो अगर आपको आउटर लेयरिंग करनी है मतलब ऊपर जैकेट पहननी है, तो आपको थोड़ी सी छोटे साइज या फिर स्लिम फिट की हुडी पहननी पड़ेगी, तभी आप ऊपर कोई जैकेट वगैरह पहन पाओगे। एंड इनर लेयरिंग के लिए बता रहा हूँ, इनर लेयरिंग के लिए आपको एक टी शर्ट पहननी है जो कि सेम कलर की हो आपकी हुडी से मैचिंग, जिससे कि आपके यहाँ का जो पार्ट होगा वो और ज्यादा प्रीमियम लगेगा। और अगर आप नीचे देखोगे तो जब आपकी टी शर्ट हुडी के नीचे से निकल के आएगी तो वो और ज्यादा कूल लगेगी। तो थोड़ा सा अगर ऐसे भी होता है आपकी हुडी थोड़ी सी पीछे हो जाती है, फिर आप हाथ वाथ ऐसे रखते हो, तो नीचे से सेम कलर की टी शर्ट होगी तो वो बहुत कूल लगेगा। और अगर आपको और ऐसी आउटफिट्स देखनी है जिस पर मैंने इसके ऊपर लेयरिंग करी हो, क्योंकि सिर्फ जैकेट से इकलौती लेयरिंग नहीं होती, तो वो विंटर लेयरिंग वाली वीडियो चैनल पे है, जाके देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनको स्टाइल कौन सी पैंट्स के साथ करनी है। तो देखो बहुत ज्यादा आसान है इनको स्टाइल करना बैगी जीन्स के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एकदम वाइड वाली जीन्स ले लो, मैं कह रहा हूँ कि इतनी भी बैगी आप ले लोगे उसके साथ भी बहुत ज्यादा कूल लगेंगी। जैसे कि ये ब्लैक वाली अर्बन ईट्स की हुडी जो मैंने पहनी हुई है, इसको मैंने फ्रीकेंस की बैगी डेनिम्स के साथ पहना हुआ है। एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक रखने में हमेशा ऑब्वियसली सेफ होता है, बहुत प्यारी आउटफिट बन जाती है। जितनी ज्यादा एक्स्ट्रा चीज ऐड करोगे उतना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। साथ में नीचे मैंने ग्रे कलर के चेल्सी बूट्स पहने हुए हैं चंकी वाले, और इसलिए पूरी आउटफिट एकदम कंप्लीट लग रही है, ऑल ब्लैक आउटफिट है। तो जो नेक्स्ट आउटफिट है उसमें मैंने अपनी फेवरेट कलर पहनी है अर्बन नीड्स हुडी की, ये है हमारा प्लम कलर। फिटिंग देखो, इस फिटिंग के साथ कलर देखो बहुत ज्यादा शानदार लग रहा है। साथ में मैंने पहनी हुई है ग्रे कलर की पैराशूट पैंट्स। अब ये पैराशूट पैंट ग्रे कलर वाली, ये भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, ये भी अर्बन नीड्स की है। और साथ में मैंने पहने हैं कुछ चंकी स्नीकर्स। आप हुडीज को पेयर कर सकते हो ट्राउजर्स के साथ, और स्पेशली जब थोड़ी सी प्रीमियम कलर्स वाली हुडीज होती है तो ट्राउजर्स के साथ वो और ज्यादा एक सेमी फॉर्मल टाइप की वाइब ऐड कर देती है, जिससे कि और ज्यादा प्रीमियम लगता है, थोड़ा सा ओल्ड मनी टच भी आ जाता है उसमें। और इसी हुडी को यू कैन ऑल्सो स्टाइल विद पैराशूट पैंट्स, और पैराशूट पैंट्स आपको बहुत ज्यादा स्ट्रीट लुक देंगी। तो पिछली वाली लुक से एकदम अलग है, अब आप देख रहे हो वो भी ब्लैक था, ये भी ब्लैक है, लेकिन एकदम लुक चेंज हो जाती है। और पैराशूट पैंट्स में ये जो ब्लैक वाली पैराशूट पैंट्स है, गेस करो कौन से ब्रांड की है, कमान कमान कमान, हमारे ब्रांड की है अर्बन नीड्स। ये भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके ले सकते हो। और इससे याद आया हमारे पास एक और कलर है इनका, यार आपको नेक्स्ट हुडी में भी दिखाता हूँ। एंड हमारी ग्रे वाली पैराशूट पैंट्स भी लॉन्च हो चुकी है वेबसाइट पे, तो आप ये भी जाके ले सकते हो। बाकी आप हुडीज को पहन सकते हो शॉर्ट्स के साथ भी और स्वेट पैंट्स के साथ भी, लेकिन वो हर जगह अच्छा नहीं लगता। अब देखो अगर आपके पास अभी बजट नहीं है हुडी खरीदने की, तो भी मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बता देता हूँ कि बहुत सही सही हैक्स होते हैं जिनसे आप अपनी पुरानी हुडीज को भी न्यू तरीके से बना सकते हो, उनको थोड़ा सा स्ट्रीट स्टाइल बना सकते हो। जैसे कि आयरन ऑन पैच लगाना, टी शर्ट वाला हैक रखना, या फिर हुडी को क्रॉप करना बिना काटे या फिर काट के, ये सारा हमने आपको हमारी हुडी हैक्स वाली वीडियो में बताया हुआ है, तो वो आप जाके देख सकते हो। हुडी कैसे चेंज हो गई, एनीवे दैट्स इट, यही था हमारा वीडियो। अब हम जा रहे हैं वापस दिल्ली, और हाँ इस बार भी एक बहुत स्पेशल गिव अवे है आपको पार्टिसिपेट करने के लिए। बस अर्बन ईट से कोई भी शॉपिंग करनी है आपको हमारा डिस्काउंट कोड यूज करना है 200 रुपीज ऑफ वाला, जिसका नाम है यूट्यूब, और उससे आप सब उस गिव अवे में एंटर कर पाओगे और आपको अर्बन ईट्स के लिए डिस्काउंट वाउचर्स मिलेंगे। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट। वो दरवाजा तो खोल दो।